बच्चों, आज हम लोग पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाओं में पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण और भाग के प्रगुण इस वीडियो में सीखेंगे। तो पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण क्या होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर में प्रॉपर्टीज गुणा की क्या होती है। तो गुणा की परिभाषा हमको पहले ही से मालूम है कि अगर एक ही चीज़ बार बार जोड़ी जाती है तो वहाँ पर गुणा होता है। तो जैसे हमने दो को तीन बार जोड़ा तो दो गुणे तीन कर देंगे, या दो दो तीन बार जोड़ दें तो छः आएगा, और अगर हम क्या कहते हैं कि उसको मल्टीप्लाई कर दें दो से तीन से तो दो तिहाई छः आ जाएगा सीधे। वैसे भी तो संवरक का प्रगुण या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। मान लीजिए दो पूर्ण संख्याएँ हैं ए और एक है उसमें बी, इनको गुणा करते हैं सी प्राप्त होता है। अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से हम गुणा करें और उत्तर भी हमको पूर्ण संख्या में प्राप्त हो जाए, उत्तर भी किस में प्राप्त हो जाए, पूर्ण संख्या में ही हमको प्राप्त हो जाए, तो इसे हम संवरक का प्रगुण कहते हैं या क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में गुणा में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पर हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, सात गुणे पाँच ये दोनों पूर्ण संख्या हैं, और 35 भी क्या है, पूर्ण संख्या हमको प्राप्त हो रही है। यानी एक पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या उत्तर जो 35 आया वो अभी पूर्ण संख्या में ही प्राप्त हुआ। इसी तरह आठ गुणे चार, आठ चौके 32, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, चार भी पूर्ण संख्या और 32 भी पूर्ण संख्या। तो हम जितना भी देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में संवरक का प्रगुण गुणन की क्रिया में पूर्ण संख्याओं में लागू होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से गुणा करने पर हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि क्रम को आपस में बदल देना, विनिमय करना माने बदलना। जैसे ए गुणे बी है और ये बराबर आएगा बी गुणे सी, यानी कि पूर्ण संख्या के सॉरी बी गुणे ए, ए गुणे बी है उसमें अगर हम बी गुणे ए करें तो दोनों ओर से मान क्या होगा, बराबर आएगा। ये हमारा क्या है, क्रम विनिमय का नियम, यानी क्रम बदलने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, तीन गुणे सात किए या सात गुणे तीन किए तो क्या होगा, तीन सत्ते 21 और यहाँ पे सात तरीके 21, दोनों अवस्था में हमको 21 प्राप्त होता है। इसका मतलब कि पूर्ण संख्याओं में क्रम बदलने पर यदि दो संख्याएं दी गई हैं, पूर्ण संख्या ए और बी, उनके क्रम आपस में बदल दिए जाएं तो उनके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब है सहचर्य का नियम, जिसे कि एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये तीन पूर्ण संख्याओं के लिए जैसे ए गुणे बी गुणे सी, ये बराबर क्या होगा, ए गुणे बी गुणे सी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तीन पूर्ण संख्याएं दी गई हैं तो दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करके तीसरी से गुणा करें, या अंतिम दो का आपस में गुणा करके पहली से गुणा करें, दोनों अवस्था में मान बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, तीन गुणे चार गुणे पाँच ये बराबर क्या हो जाएगा, तीन गुणे चार गुणे पाँच, तो यहाँ पे क्या हो गया, तीन चौके 12 गुणे पाँच, यहाँ पे हो गया तीन गुणे पाँच चौके 20, 12 पंजे 60 और ये भी मान क्या हो गया, 60 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सहचर्य का गुण प्राप्त होता है। सहचर्य का गुण, तीन पूर्ण संख्याएं अगर दी गई हैं तो उस कंडीशन में हम सहचर्य के गुण का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं वितरण का गुण। वितरण का गुण दो कंडीशन पर आधारित है, एक वितरण होता है योग पे वितरण, एक होता है घटाने पे वितरण। जैसे ए गुणे बी प्लस सी है तो ये बराबर हो जाएगा ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, ये योग का वितरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, योग का वितरण, वितरण। और घटाने का वितरण अगर हमको करना है तो ए गुणे बी माइनस सी है तो ये हो जाएगा ए गुणे बी
ए गुणे बी माइनस ए गुणे सी, ये क्या होगा? घटाने का वितरण, घटाने का वितरण। तो पूर्ण संख्याओं में गुणन की क्रिया में योग और घटाने का दोनों का वितरण नियम लागू होता है। अगर योग की क्रिया करते हैं, जैसे 3 × 4 − 5 ये बराबर होगा 3 × 4 − 3 × 5। यहाँ पे देख लीजिए 5 × 4 = 9 = 27 बराबर 4 × 3 = 12 + 5 × 3 = 15 15 × 12 = 27 दोनों और 27 प्राप्त हो गया। यानी कि ये योग पर वितरण का नियम लागू हो रहा है। घटाने पे भी करेंगे इसी तरह, तो घटाने पे भी दोनों तरफ समान संख्या प्राप्त होगी, वह क्या होगा? घटाने का वितरण नियम लागू हो जाएगा। तो पूर्ण संख्याओं में यदि हम किसी पूर्ण संख्या को उन संख्याओं के समूह से गुणा करें जिसमें जोड़ा या घटाया गया हो, तो प्रत्येक गुणन को अलग अलग करने पर भी वही गुणन फलमान हमको प्राप्त होता है। इसे हम वितरण प्रगुण कहते हैं। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वह अंक है जिसको कि पूर्ण संख्या में गुणा करने पर पूर्ण संख्या के मान में परिवर्तन न हो। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। गुणात्मक तत्समक 1 है। जैसे 5 × 1 करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, 5 आएगा। 7 × 1 करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, 7 आएगा। 8 × 1 करेंगे तो ये 8 आएगा। 9 × 1 करेंगे तो बराबर 9 आएगा। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि 125 × 1 करेंगे तो 125 आएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमको वही संख्या प्राप्त हो रही है जो हमको गुणा के रूप में दी गई है। एक से अगर गुणा कर देते हैं तो किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए संख्या एक जो है वह क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एक को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। आगे हम बात करते हैं शून्य से गुणा। किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से अगर गुणा कर दिया जाए, जैसे 125 को अगर हम 0 से गुणा कर दें तो इसका मान 0 आ जाएगा। 128 को अगर हम 0 से गुणा कर दें तो इसका मान 0 आ जाएगा। 145 को अगर हम 0 से गुणा कर दें तो इसका मान क्या होगा? 0 आ जाएगा। तो शून्य से गुणा करने पर किसी भी पूर्ण संख्या का मान शून्य हो जाता है। ये हमको ध्यान रखना है कि कोई भी पूर्ण संख्या ए दी गई है उसमें अगर 0 से गुणा कर दें तो इसकी वैल्यू सदैव क्या आएगी? 0 के बराबर आएगी। अगर ए कोई पूर्ण संख्या है उसमें यदि 0 से गुणा किया जाता है तो उसके मान में 0 आ जाता है। वो क्या कहते हैं? 0 से गुणा करने पे संपूर्ण मान क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। आगे है पूर्ण संख्याओं में भाग का प्रगुण। भाग के प्रगुण में पहला है क्रम विनिमेय का प्रगुण। तो क्रम विनिमेय का प्रगुण भाग की क्रिया में लागू नहीं होता। यहाँ देख लीजिए ए भागा बी ये कभी बराबर नहीं होगा बी भागा ए। अब हम करके देखते हैं, ए में बी का भाग दें, 3/5 ये बराबर नहीं आएगा 5/3, क्योंकि यहाँ पे करेंगे 3/5 तो ये हो जाएगा 3/5। ये कभी बराबर नहीं होगा 5/3 के, क्योंकि 5/3 एक से ही 2/3 आएगा और 3/5 एक से छोटा है, तो ये बराबर नहीं आता। यानी कि पूर्ण संख्याओं के भाग में क्रम विनिमेय का नियम लागू नहीं होता है। दूसरी चीज है कि साहचर्य का प्रगुण। साहचर्य का प्रगुण क्या होगा? अगर 3 पूर्ण संख्याएं दी गई हैं a/b/c तो ये बराबर नहीं आएगा। साहचर्य के प्रगुण के लिए ये कभी बराबर नहीं आएगा a/b/c। ये क्या कहते हैं कि कभी भी बराबर नहीं आएगा। साहचर्य के प्रगुण में अगर हम करके देखते हैं तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आएंगे। आप यहाँ पे करके देख लीजिए, 12/4/2 ये कभी बराबर नहीं होगा 12/4/2। यहाँ देखिए 12/4 में 2 का भाग देंगे तो 2 × 4 = 2 आ जाएगा, ये बराबर नहीं होगा। 12 में 4 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, 3/2 ये होगा। 12 में 2 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, और 6 बराबर कभी नहीं होगा 3/2 के। इसलिए हमने देखा कि भाग की क्रिया में
सहचर्य का गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भाग की क्रिया में एकदम नहीं लगती है पूर्ण संख्याओं की अवस्था में। फिर वितरण का प्रगुण भी इसमें भाग की क्रिया में लागू नहीं होता है। अगर हम सोचें कि भाग की क्रिया में अगर हम वितरण का प्रगुण करें तो कभी बराबर नहीं होगा। जैसे ए भागा बी प्लस सी कर रहे हैं, ये कभी बराबर नहीं आएगा। क्या कहते हैं कि ए भागा बी, ठीक है, ए भागा बी प्लस सी अगर वितरण का प्रगुण कर रहे हैं, ये कभी बराबर नहीं होगा। ए भागा बी अब प्लस ए भागा सी, ये कभी भी हमारा बराबर नहीं आएगा। हम यहाँ करके भी चाहे तो सवाल को देख सकते हैं कि कोई अगर संख्या ले वितरण के लिए और उसको भाग करने की कोशिश करें तो वह बराबर नहीं आएगा। जैसे हमने कहा 16 भागा 4 भाग धन 4, ये बराबर नहीं होगा 16 भागा 4 प्लस 16 भागा 4। अब देखिए 4 धन 4 8 हुआ, यहाँ पे हो गया 16 भागा 8 बराबर नहीं है। 16 में 4 का भाग देंगे 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16, 8 का भाग देंगे 16 में 2 आएगा, ये कभी बराबर नहीं होगा 8 के। इसलिए हम कह सकते हैं कि वितरण का गुण जोड़ और घटाने दोनों अवस्था वाला इसमें लागू नहीं होता है। अब भाग की क्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव है जिससे कि भाग दिया जाए और कोई परिवर्तन न हो, तो वह तत्समक अवयव एक है। एक क्या है? एक से यदि भाग देंगे किसी संख्या में तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए भागा वन बराबर ए, यानी कि 125 में यदि भाग दे एक का तो 125 प्राप्त होगा, 7 में भाग दे एक का तो 7 प्राप्त होगा, 19 में भाग दे एक का तो 19 प्राप्त होगा, 17 में भाग दे एक का तो 17 प्राप्त होगा। ये हमको वही संख्या प्राप्त होती है अगर एक से भाग दिया जाए तो। फिर अगली बात करते हैं शून्य से भाग। किसी भी संख्या में यदि शून्य में भाग दे दिया जाए, शून्य में किसी भी संख्या से भाग दे दें पूर्ण संख्या से, तो भागफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। जैसे हमने कहा शून्य भागा ए, किसी भी संख्या से भाग देना तो ये शून्य प्राप्त होगा। अब कैसे प्राप्त होगा ये करके अब आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे शून्य भागा 18, 18 से भाग दिए तो शून्य आया, शून्य भागा 15 तो इसका मान शून्य आया, शून्य भागा 17 इसका मान शून्य आया। हर अवस्था में हम देखते हैं कि इसका मान शून्य ही हमको प्राप्त होता चला जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। वर्कशीट आपको उपलब्ध करा दी गई है, वर्कशीट से आप सवाल लगा लेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ वीडियो देख के आप आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।